अंजुमन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज में सेलेस्ट्रल 2023 का प्रोग्राम आयोजित किया गया था। ये प्रोग्राम 3 दिन का था जिसमें कॉलेज के स्टूडेंट्स द्वारा अलग अलग एक्टिविटीज़ का आयोजन किया गया था। अलग अलग डिपार्टमेंट्स द्वारा कई तरीके के गेम्स आयोजित किए गए थे जिसमें स्टूडेंट्स समेत टीचर्स ने काफ़ी इंजॉय किया। गेम्स में बॉक्स क्रिकेट, बलून फाइट के साथ बहुत से गेम्स यहाँ आयोजित किए गए थे। प्रोग्राम के आखिरी दिन डांस, सिंगिंग और प्ले स्टूडेंट द्वारा पेश किए गए और ये प्रोग्राम रात तक चला जिसमें सभी ने काफ़ी इंजॉय किया। This is Dr. Tasneem Khan, Head of the Department of Science and Humanities from Anjuman College of Engineering and Technology. As a tradition, Anjuman has been organizing Celestial every year for the student. Basically, this Celestial is a very big platform which has been offered to the student in order to show their talent, like singing, dancing, then debate and so on and so forth. So this year we have been organizing the Celestial from 1st to 3rd March. On day one, we had the inauguration ceremony, which commenced from the opening of Art and Science exhibition, followed by FATE. In FATE, various stalls was being taken care by the students, and after that, on day two, we had the Best Student Award, Best Student. Can say competition. In the evening, the whole evening is basically being offered or given to the first year students. So here we organize the fresher competition where Mr. Fresher and Miss Fresher is being declared. On day three, we have prize distribution, and in the evening we have cultural night followed by dinner for staff and students. Hello everyone. I'm Professor Nazish Khan, Head Computer Science and Engineering Department, Anjuman Engineering College se. इस साल हमारे यहाँ सेलेस्टियल के साथ साथ सेलेस्टियल मतलब हमारा एनुअल सोशल गैदरिंग उसके साथ साथ हमने टेक्निकल इवेंट को भी मर्ज किया है, एक टेक्निकल फेस्टिवल को, जिसमें कई सारे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल इवेंट्स स्टूडेंट्स ने अरेंज किए डिपार्टमेंट वाइज। कंप्यूटर डिपार्टमेंट ने अरेंज किया कोड फ्यूरी, फिल डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स ने अरेंज किया बॉक्स क्रिकेट। इसके अलावा मैकेनिकल डिपार्टमेंट की तरफ से था 7 पेबल्स। दीज आर द नॉन ये जो सारे हैं ये नॉन टेक्निकल इवेंट्स हैं। कंप्यूटर और सिविल ने टेक्निकल इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए थे, जैसे कि मैंने कहा कोड फ्यूरी। उसके अलावा सिविल ने ऑर्गेनाइज किया था कैटापल्ट। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से बबल वॉर था। सो इस तरीके से 2 दिन तक ये इवेंट्स चले और बहुत सारे दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट्स ने भी पार्टिसिपेट किया। गाजी अंजुमन कॉलेज से बोल रहा हूँ। अभी हमारे सेलेशियल 2023 चल रहा है, अभी हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं और स्टूडेंट भी सारे एंजॉय कर रहे हैं आफ्टर कोरोना के बाद। प्रोफेसर साजिद सिद्दीकी, और पिछले 3 दिनों से हमारे यहाँ जो सेलेस्टियल प्रोग्राम चल रहा है काफ़ी बड़े स्केल में, और 2-3 साल के लॉकडाउन के बाद ये प्रोग्राम हम लोग के यहाँ हो रहा है और सारे बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। एंड टीम अंजुमन को थम्स अप। आई एम सैयद मोहिउद्दीन। सेलेस्टियल प्रोग्राम हो रहा है, बहुत अच्छे इन्जॉय कर रहे हैं, हम स्टाफ भी इन्जॉय कर रहे हैं और इतने बिजी कि हमारे पास टाइम नहीं, बड़े मुश्किल से हमारे पास टाइम मिला तो हम आपके पास कुछ बोलना है। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अंजुमन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में हमारा सेलेस्ट्रल 2023 का इवेंट हुआ और बहुत ही अच्छा इवेंट हुआ, जिसमें हमने सारे के सारे इवेंट्स कवर किए, जिसमें कुछ स्पोर्ट्स इवेंट हुए, कुछ टेक्निकल इवेंट्स हुए और अदर कॉलेजेस के बच्चों ने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया और बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। यहाँ पे जो एक हाईलाइट करने वाला जो ये था वो टेक्सा का बबल वॉर है ना, तो कुछ ऐसे इवेंट्स जो मेमोरेबल है। और सो हमने 3 डेज का एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम कवर किया और बहुत ही एंजॉय किया हमारे स्टाफ मेंबर्स ने और हमारे स्टूडेंट्स ने। थैंक यू सो मच।